हेलो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले ना वो मैथ्स रिलेटेड है ना वो रीजनिंग रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम जल्द ही साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लाएंगे और शेयर करेंगे। तो आज हम आपके बीच में लाए हैं टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ साइंस, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी इवन सब में पूछे जा सकते हैं। ये जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देन प्लीज़ कंटिन्यू टिल दी एंड, यू हैव टू वॉच इट। आप लोगों के लिए हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा कि जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास कंटिन्यूस अपडेट आ सके। और आप लोग अगर चाहते हैं दूसरों का भी भला हो सके, तो जितना शेयर हो सके शेयर करिए गाइस। चलिए देखते हैं आज हमारी क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। गाइस, इस जो पहला क्वेश्चन है हमारे टॉप लिस्ट में, वो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। पुष्प मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लावर की बात करें हम लोग, तो वो है रेफलीसिया। वो क्या है? रेफलीसिया। और अगर मैं कहूं, देखिए इसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूं अगर सबसे छोटा पुष्प क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावर, तो हम बोलेंगे वुल्फिया। संसार वर्ल्ड की बात हो रही है यहां पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो अंग अगर मैं बोलूं तो बॉडी पार्ट हो गया, तो पौधे की बॉडी में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है? तो हम कहेंगे पुष्प, मतलब फ्लावर। फ्लावर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्लावर नहीं है तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज प्रोडक्शन ग्रोथ जो उसकी होती है पौधे की, वो रुक जाती है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो भैया अगर हम कहेंगे तो वृक्क में। वृक्क आप लोग समझ रहे हैं ना, आपका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में। मतलब आपकी कौन करती है? किडनियाँ जो होती हैं नॉर्मल, आपका फिल्टरेशन कौन होता है वहाँ पर? किडनियों के थ्रू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका ये होती क्या है भाई? WBC सबने सुना है, वाइट ब्लड सेल्स। ये इसका मुख्य भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी में होती है उसे कौन मेंटेन करता है? WBC। अगर ये ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा सकता है, इम्यूनिटी पावर गड़बड़ा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए अगर देखा जाए, ये तांबे से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो है आपका। अब इसमें आपसे क्षेत्र पूछ लिया, भाई ऐसा क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे का जो भंडार का क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान में खेतड़ी जगह है वहाँ पर है, ठीक है। भारत की प्रमुख धान्य फसलें कौन सी है? तो देखो धान्य फसलों का आप बोलोगे इससे क्या नहीं होता है, फसल भी आपका एक साइंस का पार्ट है जो कि पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा है। तो भाई भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? चावल। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पत्तियों के, अगर मैं बोलूं पौधा होता है या पेड़ होता है उसमें पत्ती होती है, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पहला तो क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका यहाँ पर? वाष्पोत्सर्जन। दो कार्य हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? आपके पत्तों के द्वारा जो पौधे में किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों ने सुना हुआ है ना, तो ये सबसे ज़्यादा किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? मैंने बता ही दिया आपको, चित्रकार, शिल्पकार और डॉक्टर्स के थ्रू। तो इसका नाम क्या है और ये किसका है? कैल्शियम सल्फेट का एक लोकप्रिय नाम है। क्या है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु, मतलब कौन से मेटल को मिलाया जाता है? तो वह तांबा। दोस्तों जब भी सोने का कोई आभूषण बनता है, आप लोग सब लोग देखते हैं, तो उसमें कुछ मिक्सचर होता है, हमेशा पूर्ण शुद्ध नहीं होता क्योंकि उसमें मिक्स किया जाता है, जब उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें आप किसका यूज करते हो? तांबा या कॉपर कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। विश्व की, दुनिया की या
वर्ल्ड में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये है ऑस्मियम दोस्तों। क्या है ये? ऑस्मियम। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग कौन सी गैस बुझाती? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। और आग बुझाई किससे जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। रात में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक होता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते। समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों? दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन ड्रॉप करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो हम कहते हैं उसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। टमाटर सॉस जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम उसे कहेंगे एसिडिक एसिड या एसिडिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। इसका आंसर क्या है आपका? अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली, पीनट्स, आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो किसका फल पाया जाता है भूमि के नीचे? पीनट्स का। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? अगर मैं कहूं कोशिकाओं को, हमारी बॉडी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है, अदरवाइज हम नहीं बन पाते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका कंस्ट्रक्ट होती, तो उनको रूप कौन देता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति उन्हें आकार देती है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों को हरा रंग किसके? तो क्लोरोप्लास्ट। आपका आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगला अगर मैं देखूं यहां पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? ठीक है, तो मैं कहूंगा नागपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे अच्छे से। जितने क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ पॉज करके नोट करते रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित है? आपका नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, मतलब ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एनीबडी कैन गैस? कोई गैस कर सकता है? चलिए देखते हैं, जिनको पता अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चल जाएगा। उर्वरकों के, उर्वरक होते हैं, उर्वरकों के उत्पाद से, ठीक है, अगर अब हम बात करें मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? किसी को कोई आइडिया? चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कहेंगे आप आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंडे की टोकरी मतलब साइंस ऑफ से रिलेशन हो गया, और फिर इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, देखो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो मैं बोलूंगा बरेली पर। ये कहां स्थित है? बरेली में स्थित। लाल क्रांति किससे, रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? किसी को कोई आइडिया? रेड रिवॉल्यूशन मतलब आपकी लाल क्रांति, तो ये कहेंगे आप मास से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? मास से, के मास के उत्पादन से। किससे संबंधित है? मास के प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ऑफ जो आपका ये रहता है मीट, या मास बोल सकते हो आप, उससे संबंधित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, देखो, या ज्ञात किया जाता है? तो इसे कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के थ्रू आप क्या करते हो, दूध का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, वो नापते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो आप कहोगे यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दुनिया में सबसे अधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है?
एनीबडी कैन गैस इट? इसका आंसर है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है रेंडियर। रेंडियर के मिल्क में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये कोई जोक नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कई बार, तो आप लोग गैस कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप सभी को अब आइडिया लग जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, बकरी। इसका आंसर है बकरी, ठीक है, गोट जिसे हम कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? अगर बोला जाए ऊन के लिए जो है आपका, जिसे आप कहते हो, ठीक है, विख्यात पशु है, एक बहुत ज्यादा ऊन निकला जाता है पश्मीना, वो है क्या? वो एक्चुअली में बकरी है, बकरी की ही एक प्रजाति। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो होता है मादा हाथी। तो अगर हमें ये कभी क्वेश्चन आए तो हमें बहुत आसानी से पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारत का पूछ रहा हूँ मैं, किसी को पता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देहरादून। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? अगर मैं बोलूँ मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो ये होता है उसकी आंत में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, आपका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? जो आपका मच्छर है, मॉस्किटो है, उस मच्छर में मलेरिया परजीवी आप समझ रहे हो जिसके थ्रू आता था वो, मतलब जो ये आया है मलेरिया हमारा किस परजीवी के थ्रू आया है, इसका जो जीवन चक्र किसने खोजा था, किसमें पाया जाता है, ये खोजा था आपका रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त मतलब ब्लड नहीं होता लेकिन वो श्वसन करता है, मतलब वो सांस लेता है, विदाउट ब्लड, ऐसा कौन है? तो हम कहेंगे इसको हाइड्रा कहेंगे, ठीक है, क्या नाम है? हाइड्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, दुनिया में वर्ल्ड में किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है ऑरिलिया। क्या नाम है? ऑरिलिया को हम जेली फिश के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अधपके मांस को खाने से मनुष्य के आंत में फीताक्रमी नामक जो डिसीज होती है, फीताक्रमी जो होता है आपका, ये पहुंच जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो है सुअर का मांस खाने से। अगर वो अधपका खाओ तो यह दिक्कत आपकी आंत में हो सकती है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है साइंस का, अगर देखा जाए, किसी को कोई आइडिया, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है केंचुए में नेत्र होते ही नहीं है, वो आंख नहीं होती, ब्लाइंड होता है केंचुआ, अगर देखा जाए तो उसमें कोई आंख नहीं होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तितली की आंख रात में क्यों चमकती है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लुसिडम के कारण, जो एक तत्व है आपको बोला जाए टेपिटम और लुसिडम के कारण तितली की आंख रात में चमकती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा अगर आप लोगों ने देखा हो तो समुद्री घोड़ा आप समझ जाओगे, वो समुद्र में ही रहता है, ऐसा कोई घोड़ा नहीं है वो, लेकिन तो देखने में आपको जो उसका आगे का मुंह टाइप लगेगा वो पूरा हॉर्स पैटर्न में रहता है, इसलिए समुद्री घोड़ा कहा जाता है उसे। वो किसका उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का, मछली वर्ग का, मछली का ही जो आप देखा जाए तो वो मछली वर्ग से ही संबंधित है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो अगर हम पूछें ये क्वेश्चन तो इसमें आपका आंसर होगा मादा एनिफिलीज मच्छर, जिसके थ्रू आपका मलेरिया होता है, अगर ये आपको काट दे, मादा एनिफिलीज मच्छर, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, एनिफिलीज मॉस्किटो अगर आपको काट दे तो आपको मलेरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सबसे विषैली जहरीली, ठीक है, मछली कौन सी है? तो हम कहेंगे पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका तो सबको आंसर पता होगा, एनीबडी कैन गैस। चलो मैं आपको एक क्लू देता हूँ, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये। चलिए मैं आंसर ही बता दूँ, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। दुनिया में घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। इसका आंसर क्या है आपका? किंग कोबरा।
पावो क्रिस्टेंशियस किस पक्षी का या किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहोगे मोर का, पिकॉक का। सबसे विशाल जीवित स्तन पाई कौन सा है? अगर आप सोचते हो, देखो कई बार क्या होता है हम गलत कर देते हैं, सबसे बड़ा जीवित स्तन पाई कौन सा है, तो आप क्या लगा देते हो? हाथी। लेकिन इसका आंसर है ब्लू फेल। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा? बड़ा तो देख लिया आपने, सबसे छोटा कौन सा? हमिंग बर्ड कहते हैं इसे, हमिंग बर्ड। तारपिन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पेड़ों की छाल से। सामान्य प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको फूल की कली से। इसका एक पेड़ होता है, पौधा होता है, जिसमें फूल की कली के थ्रू ये आपको प्राप्त होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है उसे क्या कहते हैं आप? जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम केशिका जल। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह होती है केवल दिन में, सूर्य की उपस्थिति में। बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो हम कहते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया। आप क्या कहते हो? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? अगर हम देखें मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। जो पित्त होता है हमारा, उसका कार्य क्या होता है? वसा द्वारा एंजाइम्स का पाचन करना, डाइजेशन करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जा सकती है उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं ऑक्सेनोमीटर। क्या कहते हैं? ऑक्सेनोमीटर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अग्नि नीरजा नामक रोग किससे संबंधित है? देखिए याद रखिएगा अग्नि नीरजा, तो ये है संबंधित आपका किससे? कोई गैस कर सकता है? सेब से, जिसे हम कहते हैं एप्पल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो वो कहां होता है? आपकी अस्थि मज्जा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। तो वो कहलाते हैं आप द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम इसे कहेंगे डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा, अगर अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मनुष्य की त्वचा में सबसे मोटी त्वचा कहां पर होती है? तो आपका होती है वो पैर के तलवों में। ठीक है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की कोई संभावना नहीं होती है? मतलब प्रदूषण की कोई समस्या उसमें नहीं हो सकती, वो है सौर ऊर्जा, जो कि नेचुरल सोर्स है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? तो वो होती है जांघ की, जिसे आप अरु भी कहते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक ऊंचे ताप की मापन जो है वो किससे किया जाता है? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो आप किससे मेजर करेंगे? तो इसका आंसर है, कोई गैस कर सकता है? पूर्ण विकिरण उत्तर मापी से। पूर्ण विकिरण उत्तर मापी से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो क्या है? क्या कारण है कि इंद्रधनुष बनता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपका? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परावर्तन। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, जिससे क्या बन जाता है आपका? इंद्रधनुष बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? देखिए सन का जो टेम्परेचर है, हम जो बोलते रहते हैं, वो आपका मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा, पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं दोस्तों। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं?
चल के क्वथनांक व हिमांक क्या होते हैं? तो ये दोस्तों क्या होते होंगे, आपको समझ में आ रहा है? क्वथनांक अगर मैं बोलूंगा तो आपका क्या होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा हिमांक, मतलब जिसमें वो जम जाए, तो आपका होगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है, किसी को कोई आइडिया? केल्विन में होगा सेंटीग्रेड में, ये सेंटीग्रेड में होगा, और ये होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, सर्वोच्च होता है? तो वो होता है आपका जल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो वो होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण, कौन सा भाग? अवरक्त किरणें जो सूर्य की होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है ताप संरक्षण, ठीक है, टेम्परेचर का जो आपका रहता है वो संरक्षण। खत्म होने वाला है क्या सर? कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो कोई बता सकता है? संपीड़ित गैसों को छोड़कर, ठीक है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, है ना, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, वो दो तरह की तरंगे होती है। तो भाई अगर ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो वो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने को आप क्या कहते हैं? तो यह आपको सिंपली पता है, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश आएगा और टकरा के वापस जाएगा दोस्तों, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो कितना होता है, तो सबको पता है भाई, बुखार वुखार चेक करते थे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति, देखो मैं चिल्ला रहा हूं, हाँ, चिल्लाते समय व्यक्ति अपनी दोनों हथेलियों को मुख के समीप क्यों रखते हैं? भाई मुंह के पास क्यों रखते हैं? इसलिए ताकि जो हमारी वॉइस निकले उसको एक सिंगल डायरेक्शन मिल सके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में ध्वनि ऊर्जा जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों आसवन द्वारा, है ना, आसवन प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या हो सकता है। अगला देखते हैं, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, चलिए ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, कौन सी निकलती है? तो आपकी कौन सी निकलेगी यहाँ पर, कोई आइडिया? मीथेन। दलदली जो आपका भूमि होती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में ऐसा कौन सा अम्ल है जो इकट्ठा हो जाता है और जिसके होने से शरीर में थकान हो जाती है या हमें थकावट आ जाती है? तो ये होता है एक लैक्टिक एसिड, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए शरीर में तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं और हमें थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो है आपका टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन? ऑर्गेनोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों दांत किस रूप मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, कोई बता सकता है? डेंटाइन। अगर कहा जाए इस पदार्थ को तो क्या कहेंगे? डेंटाइन पदार्थ से हमारे दांत मिलकर बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो आपको मैं बता दूं, पैरामीशियन नाम का जंतु होता है जिसकी आकृति आपकी पैर की चप्पल की आकृति के समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो क्या है आपका? विटामिन ए। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आप गाजर खाइए, आपकी कमी पूरी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में
जो आपका चावल है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। आपको ये चीज़ याद रखनी है, मानव का मस्तिष्क जो हमारा ह्यूमन का रहता है वो कितना होता है, 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली मेटल या धातु कौन सी है जो रक्त में पाई जाती है? भाई ऐसा नहीं रखते, उसमें पाई जाती है, पाया जाती कौन सी है आपकी, ऐसा नहीं लोहा निकल आएगा रक्त से, ऐसा नहीं, उसमें पाई जाती है। तो कौन सी धातु है जो उसमें पाई जाती है, वो है आयरन या लोहा। किण्वन एक क्रिया होती है जिसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है आपका दूध का खट्टा होना, खाने वाली ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सारे जो तीनों उदाहरण थे आपके, ये किसके हैं, किण्वन प्रक्रिया के। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो उसका नाम है, उड़ने वाली एक छिपकली होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैको। ड्रैको एक ऐसी लिजार्ड है जो उड़ती है। भारत में, देखो विश्व में पाई जाने वाली तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ी मछली, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो उसे हम कहते हैं व्हेल शार्क। भारत में कौन सी सबसे बड़ी मछली है, तो वो है व्हेल शार्क। दालें किसका सबसे बड़ा स्रोत है, अच्छा स्रोत है, वो है प्रोटीन का। अगर मैंने जैसा आपको बताया था, दाल प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देसी घी में जो एक खुशबू आती है, सुगंध आती है, वो क्यों आती है? किसी को कोई आइडिया, जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, देसी घी में सुगंध आती है तो वो क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? एक पदार्थ है डाई एसिटिल, उसके कारण। सबसे अधिक विक्षेपण अगर बोला जाए इंद्रधनुष में तो वो किस कलर का होता है? तो वो होता है लाल कलर का। ठीक है, आपका किसका होता है, लाल कलर का। और आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, टेलीविजन का आविष्कार कौन है, या टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था JL Baird ने, दोस्तों JL Baird ने। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, या आपको इंडिविजुअल टॉपिक पे लेक्चर्स चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अब अगले लेक्चर्स में आपसे मिलेंगे हम और कुछ वीडियोज लाते हुए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक ले कीप वॉचिंग अस, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.